अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिया है ऑयल यानी कि तेल। तेल हमने 5 से 6 टेबल स्पून लिया है। तेल जो है हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें एक बार चिकन तलने के बाद इसे वापस निकाल लेंगे। फिर आप दोबारा चाहें तो इसमें वापस चिकन करी या कोरमे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ हमने 1/2 किलो चिकन लिया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, जिससे कि ये जल्दी गलेगा। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। देखिए जो हमारा चिकन है वो भून रहा है हल्का हल्का, यानी कि जो फ्राई हो रहा है हमारा चिकन। देखिए ये हल्का गोल्डन गोल्डन हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें से तेल निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा तेल है, इसके लिए हम तेल निकाल लेंगे इसमें से। और जो हमारा चिकन है वो भी फ्राई हो चुका है। देखिए जो हमारा चिकन है वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, यानी कि गोल्डन ब्राउन हो चुका है। उसके बाद हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ कांदा यानी कि प्याज और 4 बीच से फाड़ी हुई मिर्ची और हम इसे चिकन के अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर टोमेटो डालेंगे। हमने इसमें 5 टोमेटो डाले हैं, यानी कि हमने इसमें 5 टमाटर डाले हैं। अब हम इसे चिकन के साथ में फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसके जो है ऊपर के छिलके निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहे हैं ये छिलके जो है। अब हम जो है इस टमाटर को ऐसे फोड़ देंगे चम्मच की मदद से ही, यानी कि मैश कर देंगे हम टमाटर को।
अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो यहाँ हमने लिया है चिल्ली फ्लेक्स, और यहाँ हमारे पास है मिर्ची की बुक्की यानी कि मिर्ची पाउडर रेड, और कसूरी मेथी, धनिया का पाउडर, और ज़ीरा पाउडर, और नमक, और ये हमने कुटी हुई धनिया लिया है यानी कि जो सूखी धनिया होती है उसे हमने कूट लिया है, और यहाँ हमारे पास काली मिर्च का पाउडर है, और हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ये तीन चीज़ हमने हाफ हाफ टेबल स्पून लिया, बाकी सब एक एक टेबल स्पून लिया है हमने। अब हम ये सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे आपस में। तो ये हमारे सूखे मसाले रेडी हो गए हैं, हम इसे चिकन में डाल देंगे। देखिए ये जो चिकन कढ़ाई है आपको लोखंड की कढ़ाई में बनाना है, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम सब चीज़ों को मिला लेंगे, और कोई कोई टमाटर बचे रहे तो आप उसे अच्छी तरीके से इसके अंदर ही मैश कर ले। अब देखिए 8-10 मिनट के बाद ये ऑयल रिलीज करने लग जाएगा, यानी कि इसमें से ऑयल अलग हो जाएगा। ऑयल जो है देखिए ऊपर आ गया है। देखिए हमारी चिकन कढ़ाई जो है बन चुकी है। अब हम इसमें कोथमीर ऐड करेंगे यानी कि धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। है ना ये बिल्कुल टेस्टी। अब हम इसे सर्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।